था, तो जितने भी भाई लोग हैं सबको जुमा मुबारक हो मेरे तरफ से। दोस्तों मेरे को फोन का काफी शौक है, हमको फोन काफी अच्छा लगता है रखने में। दोस्तों देख बाकी बाइक सबका चाबी रखा हुआ, मतलब की रखा हुआ। चलिए दो चार मंथ के बाद आज बुलेट स्टार्ट किया, पापा बोले थे वैसे तो टाइम नहीं मिलता। देखिए ये सब गाड़ी का मेरे पास बाइक का कलेक्शन है। बाइक देख रहे हैं ना, ये पिलर से इधर पूरा ऑफिस रहेगा, उस साइड में इधर पार्किंग का रहेगा, इसलिए कि ज्यादा गाड़ी हो गया पार्किंग आने का जगह भी नहीं रहता। हम सोच रहे हैं कि ऑफिस के साथ वो भी पार्किंग वाला भी पूरा सेलिंग विलिंग का काम करके जो है सो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, हमारे सेहत से हैं, गाँव में रहते हैं। जनवरी में मतलब 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, तो हम आर्मी से तो ज्यादा ही लेटर लगाव लगते हैं, तो उस दिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप लोग का दुआ प्यार आशीर्वाद रहा तो जरूर एक स्पोर्ट बाइक निकालेंगे। वेलकम बैक टू एक्शन राइड BR06। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, ठीक होंगे उम्मीद करते हैं। दोस्तों मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों अभी तो मैं अपने होम विलेज पे आया हूँ, देख सकते हैं। दोस्तों आज तो फ्राइडे था, तो जितने भी है भाई लोग हैं सबको जुमा मुबारक हो मेरे तरफ से। दोस्तों अभी तो टाइमिंग 3 बज रहा है। दोस्तों अभी मैं अपने होम विलेज से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, दोस्तों देख सकते हैं। चलिए दोस्तों बाकी भाई लोग का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि भैया आप अपने होम विलेज का नहीं दिखाते, तो चलिए दोस्तों आज सबको मैं अपने होम विलेज का दिखाऊंगा और होम विलेज पे क्या क्या काम हो रहा है और कौन कौन सा बाइक रखे हुए। चलिए दोस्तों तो आप लोग को बाइक में भी दिखाते हैं। चलिए दोस्तों ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ, इन्जॉय कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा है कि भैया कितना फ़ोन रखते हैं, तो दोस्तों मेरे को फ़ोन का काफ़ी शौक है, हमको फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है रखने में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सा फ़ोन है। एक फ़ोन है जो आईफोन है वो भी है, उससे ब्लॉग शूट कर रहे हैं। यहाँ पे बाकी बाइक सबका चाबी रखा हुआ, मतलब की रखा हुआ। चलिए दोस्तों दिखाते हैं कौन कौन सा बाइक है। अभी बाइक तो सब बाइक मेरे होम विलेज पे नहीं है, देख सकते हैं। ये तो आप लोग, ये जुपिटर है, ये स्कूटी है, और बगल वाला वो बुलेट है क्लासिक 500, और देख सकते हैं ये पल्सर 220 है, और बगल में एक ग्लैमर है, आप देख सकते हैं। काफ़ी आए तो काफ़ी दिनों के बाद बुलेट स्टार्ट किया, स्टार्ट तो नहीं हो रहा था, 3-4 किक में स्टार्ट हो गया। वो रखा हुआ था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, अपने पर्सनल काम से काफ़ी बिजी था, इसी के कारण है ना। बाइक सब तो होम विलेज पे ही रहता है ना, वैसे तो हम होम टाउन रहते हैं, तो सब गाड़ी होम विलेज पे ही रहता है। तो 4 मंथ के बाद आज बुलेट स्टार्ट किया, पापा बोले थे वैसे तो टाइम नहीं मिलता। देखिए ये सब गाड़ी का मेरे पास बाइक का कलेक्शन है। बाकी बाइक और बाइक पटना में है, भैया के पास है, और कुछ बाइक दिल्ली में, और एक बाइक है जो बाइक से चलते हैं। ऐसे स्पोर्ट बाइक घर से नहीं मिलता है, काफ़ी देखते आप लोग एक्सीडेंट आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है सेफ्टी से चलने के लिए। देखिए दोस्तों ये सब बाइक का कलेक्शन है, बाकी और बाइक नहीं है, वो भी कोशिश करेंगे कि सब बाइक एक बार होम विलेज पर ला के, दिल्ली से भी वो भी आएगा। एक न्यू बाइक भी लेने वाले हैं, न्यू फैमिली मेम्बर लेने वाले हैं, जनवरी तक हो सकता है। तो आर्मी डे जो 15 जनवरी तक है ना, उस दिन एक स्पोर्ट बाइक निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग का दुआ रहा, साथ रहा, प्यार रहा, तो ज़रूर इंशाल्लाह एक दिन स्पोर्ट बाइक निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक स्कूटी है, बुलेट है, पल्सर 220 है, ग्लैमर है, और स्प्लेंडर और बुलेट सब, और बाकी गाड़ी सब, एक गाड़ी स्प्लेंडर मुजफ्फरपुर में और बाकी पटना में, और भैया जो दिल्ली में रहते हैं भाई, और स्कूटी दिल्ली में है। दोस्तों देखिए ये मेरा होम विलेज का घर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अभी घर का ये तो घर है, ये अभी बाउंड्री का काम चल रहा है। देखिए बाकी मेरे चारों साइड से पेड़ पौधा है, पूरा हरियाली हरियाली है। आप लोग ट्री का भी पूरा देखिए, घर का व्यू। वो बगल में जो बना हुआ झोपड़ी जलामन का घर है, देख सकते हैं। पापा भी बैठे हुए हैं, पापा को भी बोले कि आज ब्लॉक में ले लेने के लिए, यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे पापा ऐसे होम विलेज पे सिंगल रहते हैं। देखिए पापा अपने से पूरा फूल उल लगाए हुए हैं, ये सब अभी सब चीज़ का फूल लगा, इसलिए इसको घेरा गया है कि जो बकरी होता है ना, गोट उट वो सब गांव में चढ़ जाता है ना, तो अभी बाउंड्री का काम चल रहा है, अभी पूरा फुल बाउंड्री नहीं हुआ है। जैसे ये बाउंड्री हो रहा है ना, ऐसी बाउंड्री होगा। इसमें बाकी पेड़ लगाए हुए हैं पापा, पपीता का है, गेंदा का है, गुलाब का है, नींबू का, ये सब पेड़। अब बाकी ये जो घर देख रहे हैं, ये बन रहा है, हम लोग का ऑफिस बनेगा, मतलब ये अभी तो काम चल रहा है। यहाँ पर पार्किंग रहेगा प्लस ऑफिस बनेगा, यहाँ पे ये है ना, ये ऑफिस बनेगा, मतलब जो यूट्यूब से रिलेटेड होगा ना, इसमें पूरा यूट्यूब का सिस्टम होता है ना, सेटअप बैठेगा पूरा, म्यूजिक व्यूजिक ये सब। अभी तो नहीं, मार्च तक इंशाल्लाह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुछ अपने काम से बिजी थे ना, पापा भी बिजी थे, पापा को भी टाइम नहीं मिलता है, तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। ये पूरा यहाँ तक देख रहे हैं ना, ये पिलर से इधर पूरा ऑफिस रहेगा, उस साइड में इधर पार्किंग का रहेगा, इसलिए कि ज़्यादा गाड़ी हो गया पार्किंग आने का जगह भी नहीं रहता। हम सोच रहे हैं कि ऑफिस के साथ वो भी
पार्किंग वाला भी पूरा सेलिंग उलिंग का काम करके देखते होंगे आप लोग काफ़ी यूट्यूबर का जो पूरा डेकोरेशन के साथ बाइक रखते हैं, तो इसी तरह से एक तरह का हम शोरूम बना देंगे। हाफ में शोरूम बनेगा बाइक रखने का और हाफ में ये में हम लोग का ऑफिस रहेगा, उसमें पूरा सेटअप रहेगा यूट्यूब का और भैया का भी रहेगा, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, और यहाँ पे यही पूरा घर है, अभी तो पूरा घर गांव काम चल रहा है, बाउंड्री पूरा नहीं हुआ। ये जलामन रखने वाला जो नहीं बोलते वो है झोपड़ी, बगल में भी छत वाला घर है, ये सब है काफ़ी। चलिए दोस्तों, आप लोग देखिए कमेंट करके बताइएगा छोटा सा गरीब आदमी का घर कैसा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पापा भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक मेरा भतीजा आ गया, ब्लॉग शूट कर रहे थे। हाय बोल दो, हाय बोलो, नाम क्या है, तुम अपना नाम बता दो। मोहम्मद साहिल एजाज। और ये पापा बोले कि आज साइकिल का भी ले लेने के लिए ब्लॉग। पापा बोलते कि जीवन का सबसे बड़ा लाइफ लाइन जो पापा का सर्विस का था, पहले तो लोग साइकिल से ही चलते थे, रखे हुए उसको मेंटेन करके कहीं जाना उना रहता है, ऐसे तो बाइक से ही जाते हैं, स्कूटी से कहीं थोड़ा दूर। पापा बोलते कि सुबह में मॉर्निंग में पापा साइकिल भी यूज करते हैं, मतलब डॉक्टर बोले हुआ। चलिए दोस्तों, काफ़ी आप लोग देखिए यहाँ पर तो सब दिखा दिए घर उर का, और पीछे में भी है आम का बगीचा है, और उधर उधर भी घर उर है। चलिए पापा, पापा आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। आज तो फ्राइडे था ना, आज फ्राइडे है तो क्या बोला जाए, जो है सो अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, हमें सेहत से है, गांव में रहते हैं पापा, गांव में किए हैं गेहूं बाग कर दिए पूरा। बहुत लोग का कमेंट आता है कि खेती भी करते हैं, तो हम लोग लगभग 5 बीघा के लगभग में हम लोग खेती भी करते हैं। पापा आज तो हम सुबह में मॉर्निंग में सोए थे, पापा गए थे, अभी तो गेहूँ का होता है ना, मतलब बीट का सीजन चल रहा था, गेहूँ का भी बू मतलब बाऊ हुआ है, तो पापा गए थे लेबर लोग को लेके बाऊ करवाने के लिए। हम तो सोए थे, हम तो लेट से उठे, आज 12 बजे के बाद उठे थे, पापा उठाए थे। देखिए जितना देख रहे हैं ना पेड़ पौधा, पूरा घर को पापा सिंगल मेंटेन करके रखते हैं। पेंट उंट उड़ गया, फिर से पेंट उंट होगा, पूरा घर कंडीशन में होगा, मतलब मार्च अप्रैल तक पूरा घर फिर से कंडीशन में हो जाएगा, बाउंड्री उंड्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दिखा दिए फाइनली मैं आप लोग को घर, बताइएगा कमेंट करके कैसा घर लगा, और बाइक का भी कलेक्शन दिखाएं, 4 कलेक्शन बाइक का दिखाएं, और बाकी भैया के पास है बाइक, और कुछ बाइक पटना में है, और कुछ है, मेरे एक बाइक है जो स्प्लेंडर वो मुजफ्फरपुर में। भाई कमेंट आता है कि भैया आप स्प्लेंडर से क्यों चलते हैं, दोस्तों तो ये बात बोलना चाहेंगे कि हम स्प्लेंडर से इसके लिए चलते हैं कि सेफ्टी रहता है, घर वाला मेरे को ज़्यादा स्पोर्ट बाइक नहीं देते हैं, तो दोस्तों ये बोलना चाहेंगे मेरे पास बाइक का कलेक्शन का कमी नहीं है, अच्छा अच्छा बाइक है, फिर एक और स्पोर्ट बाइक लेने वाले हैं, वो भी जनवरी में, मतलब 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, तो हम आर्मी से तो ज़्यादा रिलेटेड लगाव लगते हैं, तो उस दिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आप लोग का दुआ प्यार आशीर्वाद रहा तो जरूर एक स्पोर्ट बाइक निकालेंगे। चलिए दोस्तों, ब्लॉग को यही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज। यूट्यूब पे देख रहे थे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे थे पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टा पे देख रहे थे पेज को फॉलो कीजिए।